डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान शाह और आप देख रहे हैं एमएलटी हब विद कामरान। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एक्सोटॉक्सिन एंड इंडोटॉक्सिन। ठीक है, ये टॉक्सिन्स हैं जो कि बैक्टीरियास प्रोड्यूस करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो भी वर्ड होता है जिसके एंड में आई एन का वर्ड आए, तो ये ज़्यादातर डिनोट करता है टॉक्सिन्स को। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज टॉक्सिन? एनी पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म दैट कैन काज डेथ, इंजरी आर हार्म टू ऑर्गन्स। ठीक है, ये पॉइजनस चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसे ऑर्गेनिज्म्स प्रोड्यूस करते हैं, खासकर बैक्टीरिया, जिसकी वजह से जो ऑर्गन्स हैं बॉडी में, जो टिश्यूज़ हैं, उसे नुकसान पहुंचता है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का, वो भी पैदा होता है। ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हम एक्सोटॉक्सिन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि एक्सोटॉक्सिन क्या है। ठीक है, मोस्टली दोस्तों एक्सोटॉक्सिन जो है, एक्सोटॉक्सिन इस तरह के काफ़ी सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं और बहुत कम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जो कि इस एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉइजन है, बहुत पावरफुल टॉक्सिन है। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादातर सेल के आउटसाइड रिलीज होता है। ठीक है, और लाइव बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया इसे रिलीज करता है। ठीक है ना दोस्तों, ये मोस्टली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है हमारे पास, वो बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग में ब्लू कलर या पर्पल कलर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट का। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम उसे कहते हैं जो मोस्टली हमारे पास ग्राम स्टेनिंग में जो सिफ्रानिन का कलर होता है वो एक्सेप्ट करते हैं और वो पिंक इन कलर होते हैं। ठीक है, सो मोस्टली ये टॉक्सिन जो है, ये ग्राम पॉजिटिव ज़्यादातर रिलीज करते हैं, ग्राम नेगेटिव में कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी साइड पर इंडोटॉक्सिन है, तो दोस्तों ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होता है, ठीक है, उसके अंदर ये इंडोटॉक्सिन होता है। ठीक है, और ज़्यादातर ये बैक्टीरिया के इनसाइड होता है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या है? एक्सोटॉक्सिन्स जो है ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, इंजर्ड कर सकता है होस्ट सेल को। ठीक है ना दोस्तों, जो होस्ट सेल को नुकसान पहुंचता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है जब बैक्टीरिया इंट्री करता है बॉडी में और फिर ये रिलीज़ करता है एक्सोटॉक्सिन को, तो उसकी वजह से होस्ट जो सेल्स हैं उसे काफ़ी सारा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, एंडोटॉक्सिन जो है दोस्तों, ये मोस्टली सिक्रीट करता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वक्त जब बैक्टीरिया की किलिंग हो जाती है, जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर मर जाता है। ये एंडोटॉक्सिन जिंदा बैक्टीरिया सिक्रीट या रिलीज नहीं करता। ठीक है ना, ये फ़र्क है एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में। एक्सोटॉक्सिन हमेशा जो जिंदा बैक्टीरिया होगा, जो बॉडी के अंदर होगा, वो रिलीज करेगा। एंडोटॉक्सिन जब बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी से रिलीज होता है ये। तो ये बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव, ये जिंदा भी ख़तरनाक है और मुर्दा भी ख़तरनाक है। ठीक है, सो एंडोटॉक्सिन कैसे रिलीज होता है? ये दोस्तों ऐसे रिलीज होता है कि जब भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाए, या जब हम एंटीबायोटिक देते हैं, वो मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया को अटैक करता है। इम्यून सिस्टम और एंटीबायोटिक, ये बैक्टीरिया को अटैक करता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसकी ब्रेकडाउन होती है, और जब बैक्टीरिया की सेल वॉल की ब्रेकडाउन होती है तो इस सेल वॉल से फ्रेगमेंट्स निकलना शुरू होते हैं आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो उसमें एंडोटॉक्सिन भी होता है। ठीक है ना, तो ये एंडोटॉक्सिन फिर इस बॉडी के अंदर बाकी का जो नुकसान है वो भी काज कर सकता है। तो ये जब बैक्टीरिया
मर जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए इम्यून सिस्टम की वजह से, एंटीबायोटिक की वजह से, तो तब जाकर ये टॉक्सिन जो है ये रिलीज होता है। थर्ड डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये मोस्टली जो एक्सोटॉक्सिन होता है, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इनेक्शन होता है ये टॉक्सिन जो होते हैं, और ख़ासकर क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई का जो टॉक्सिन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, टेटनस कास करता है, ठीक है, स्पोर की फॉर्म में ये सॉइल में मौजूद होता है, जब भी कोई ज़ख्म लगता है तो ये बहुत जल्दी इंटर कर जाता है बॉडी में, और इसके टॉक्सिन मोस्टली जो एक्सोटॉक्सिन होता है ये न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। सो न्यूरोटॉक्सिन क्या है, बेसिकली ये नर्व टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, डिस्ट्रक्टिव टू नर्व टिश्यू होते हैं, या आप इसे कह लें न्यूरोटॉक्सिसिटी ये काज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बरक्स जो एंडोटॉक्सिन है, सो एंडोटॉक्सिन मोस्टली रिलीज होता है ब्लड सर्कुलेशन में, और ये टॉक्सीमिया काज करता है। टॉक्सीमिया किसे कहा जाता है, जब टॉक्सिन्स की मिकदार ब्लड में बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, इस इंडोटॉक्सिन की वजह से कि पेशेंट की बॉडी में रिगोर, ठीक है, और ये हमारे पास मोस्टली कहा जाता है जो शिवरिंग होती है, जो लर्जा होता है जो बॉडी पर आता है उसे कहा जाता है चिल्स, सर्दी लगती है पेशेंट को, एंड शॉक। शॉक क्या है, एक्यूट मेडिकल कंडीशन है, और मोस्टली ये एसोसिएट करती है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो ये इंडोटॉक्सिन भी काज करता है शॉक। इसके अलावा ब्लड लॉस की वजह से भी शॉक काज होता है, सीवियर बर्न्स की वजह से जब बंदा जल जाता है, एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से, सडन इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी ये काज होता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं दोस्तों जिसमें इंडोटॉक्सिन जो है वो अपना रोल प्ले करता है। फोर्थ जो डिफरेंस है वो क्या है कि मोस्टली जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं दोस्तों, तो इससे वैक्सीन भी बनता है, ठीक है, और वैक्सीन ऐसे बनता है कि इस एक्सोटॉक्सिन को ऐसे बना दिया जाता है कि ये नॉन टॉक्सिक टॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। टॉक्साइड क्या है, केमिकल मॉडिफाइड टॉक्सिन है ये, ठीक है, जो कि एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं, लेकिन ये फिर टॉक्सिक नहीं रहते, लेकिन स्टिल एंटीजेनिक ये होते हैं, ठीक है, और एज ए वैक्सीन ये यूज फिर होते हैं, ठीक है ना। सो ज़्यादातर एक्सोटॉक्सिन्स जो हैं ये लोगों को इम्यूनाइज करने के लिए किसी बीमारी के अगेंस्ट एज ए वैक्सीन यूज होते हैं, ठीक है दोस्तों। एंडोटॉक्सिन जो है दोस्तों, तो ये ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि ये क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज हैं इसमें, और ये डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन जो है उसे कास करता है, ठीक है, DIC, जो कि बहुत ख़तरनाक हालत है। DIC में क्या होता है कि इसमें ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी के स्मॉल विसल्स के अंदर, और इसकी वजह से जो क्लॉटिंग है बॉडी के अंदर वो स्टार्ट हो जाती है, जिससे पेशेंट को बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। DIC भी काफ़ी वजह से काज होता है, लेकिन एक वजह जो है वो ये एंडोटॉक्सिन भी है, ठीक है दोस्तों। फिफ्थ जो डिफरेंस है एक्सो और एंडो का, तो एक्सोटॉक्सिन जो है ये हाईली एंटीजेनिक होता है, ठीक है, जब ये बॉडी में रिलीज होता है तो इसके अगेंस्ट इम्यून सेल्स जो हैं, इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत सीवियरली एक्टिवेट होता है, ठीक है। एंडोटॉक्सिन जो है तो ये एक्सोटॉक्सिन के निस्बत एंडोटॉक्सिन वीकली एंटीजेनिक होता है। वो इसलिए वीकली एंटीजेनिक होता है क्योंकि ये जब जिंदा बैक्टीरिया होता है तो एंडोटॉक्सिन तो निकलता नहीं है, जब मर जाए बैक्टीरिया तब जाकर इसके बॉडी से ये फिर निकलता है, ठीक है दोस्तों। सिक्स डिफरेंस क्या है एक्सो एंडोटॉक्सिन का कि एंडोटॉक्सिन मोस्टली जब रिलीज होता है तो ये बॉडी में ल्यूकोसाइटोसिस काज करता है। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, जब वाइट ब्लड सेल्स की जो नंबर्स हैं, ठीक है, नॉर्मली 4000 टू 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर होते हैं, ठीक है, तो ये मोस्टली जो एंडोटॉक्सिन है तो इसकी वजह से जो ल्यूकोसाइट्स की काउंट है, ठीक है, तो ये बॉडी में बढ़ जाती है, ठीक है, नॉर्मली ये 4000 टू 11000 तक इसकी ब्लड में काउंट होती है, तो ये ल्यूकोसाइटोसिस भी काज करता है जो बॉडी में फिर प्रॉब्लम काज कर सकते हैं, ठीक है। सेवेंथ क्या डिफरेंस है कि एंडोटॉक्सिन जो है ये मोस्टली हीट स्टेबल है, और एक्सोटॉक्सिन जो है ये हीट लेबाइल है, यानी जो एंडोटॉक्सिन है तो हीट अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हीट चली जाए, ठीक है, तो एंडोटॉक्सिन स्टिल उसमें सर्वाइवल कर सकते हैं, जिंदा रह सकता है, ठीक है ना। और एक्सोटॉक्सिन जो है
तो ये हीट की मदद से बहुत आसानी से इसकी जो किलिंग है या खात्मा है वो बहुत आसानी से हो सकता है, या अगर आप कह लें कि ये न्यूट्रलाइज हो जाता है हीट की मदद से एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है तो ये इंतहाई हीट स्टेबल है, हीट को ये बर्दाश्त करता है, काफ़ी ज़्यादा हीट को भी। इसके अलावा एड डिफरेंस जो है, तो एक्सोटॉक्सिन जो है का स्पायरोजेनेसिटी ओकेजनली, ठीक है, जो एक्सोटॉक्सिन है तो ये मोस्टली टम्परेचर कास करता है अक्सर तौर पर, ठीक है। और जो एंडोटॉक्सिन है तो ये एक्सट्रीम पायरोजेनेसिटी कास करता है, बनिस्बत एक्सोटॉक्सिन के एंडोटॉक्सिन बहुत ज़्यादा फीवर कास करता है और बहुत सेवेयरली कास करता है, ठीक है। नाइन जो डिफरेंस है, एक्सोटॉक्सिन जो है ये प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है, ये प्रोटीन से बना हुआ है, और जो एक्सोटॉक्सिन है ये लाइपोपोलीसेकेराइड इन नेचर है, ठीक है दोस्तों, लिपिड भी है, लाइपो मीन्स लिपिड्स एंड पोलीसेकेराइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो दो चीज़ों की कम्बिनेशन से एंडोटॉक्सिन जो है वो बनता है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन्स की डिफरेंस, उम्मीद है आप लोग